हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रोचेट ईयर रिंग्स। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रोचेट थ्रेड, एंकर का थ्रेड है ये नंबर 8, हुक 0.5 mm, सीजर, फैब्रिक ग्लू, स्मॉल साइज के गोल्डन बीड्स, इयररिंग हुक, गोल्डन वायर, कटर, प्लायर और स्टार्च। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिप बनाएंगे। एक नॉट लगाएंगे। चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। स्किप वन चेन। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच। नेक्स्ट चेन में 1/2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में 1/2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच। थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे। इस तरह से हमें लिप बना लेना है। नेक्स्ट इस फ्लावर को बनाएंगे। एक रिंग बनाएंगे। रिंग बन गई। चेन बनाएंगे 1, 2। इस रिंग में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट 2 चेन 1, 2। इस रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे। चेन बनाएंगे 1, 2। इस रिंग में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट 2 चेन 1, 2। इस रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे। इस तरह से इस रिंग में 5 पेटल्स बनाएंगे। लास्ट 2 चेन बना लिए। इस रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे। थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे। थ्रेड को नीचे ले जाएंगे। इसे खींचकर टाइट करेंगे। इस तरह से स्मॉल साइज के फ्लावर बना लेना है। नेक्स्ट इस फ्लावर को बनाएंगे। एक रिंग बनाएंगे। रिंग बन गई। चेन 1। इस रिंग में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह इस रिंग में 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 7 सिंगल क्रोशे बना लिए। थ्रेड को खींच के टाइट करेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे। चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। स्किप 1 चेन। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच। नेक्स्ट चेन में 1/2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में 1/2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में यानी नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच डालेंगे। नेक्स्ट चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। स्किप 1 चेन।
नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट पैटर्न बना लिए, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे। थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे, थ्रेड को यहाँ हुक की हेल्प से नीचे ले जाएंगे। इस तरह से इसे हमें बना लेना है। नेक्स्ट इसे बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे, चेन वन, इस रिंग में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे, इस तरह इस रिंग में सेवन सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बना लिए, थ्रेड को खींच के टाइट करेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे। इस तरह से स्मॉल साइज के सर्कल बना लेना है। इस फ्लावर को बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे, रिंग बन गई, चेन बनाएंगे वन टू, इस रिंग में वन डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट इस रिंग में वन ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट इस रिंग में वन डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट टू चेन वन टू, इस रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन बनाएंगे वन टू, इस रिंग में वन डबल क्रोशे बनाएंगे, इस रिंग में वन ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, इस रिंग में वन डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट टू चेन वन टू, इस रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे। इस तरह से इस रिंग में फोर पेटल्स बनाएंगे। लास्ट टू चेन बना लिए, इस रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे। थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे, थ्रेड को नीचे ले जाएंगे, इसे खींचकर टाइट करेंगे। फर्स्ट लेयर कंप्लीट, सेकंड लेयर बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे, रिंग बन गई, चेन बनाएंगे वन टू, इस रिंग में वन डबल क्रोशे बनाएंगे, इस रिंग में वन ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, इस रिंग में वन डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट टू चेन वन टू, इस रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे। इस तरह से इस रिंग में थ्री पेटल्स बनाएंगे। लास्ट टू चेन बना लिए, इस रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे। थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे, थ्रेड को नीचे ले जाएंगे, से खींच के टाइट करेंगे। सेकंड लेयर कंप्लीट। नेक्स्ट इसमें स्टार्च अप्लाई करेंगे, बैक साइड में स्टार्च अप्लाई करना है। इसे शेप देंगे, इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। इसमें बैक साइड में स्टार्च अप्लाई करेंगे,
से सेप देंगे। बीट्स की हेल्प से मिडिल में इस तरह से प्रेस करेंगे, पेटल्स में इस तरह से प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हुक की हेल्प से मिडिल में इस तरह से प्रेस करेंगे, से सेप देंगे, से हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें स्टार्च अप्लाई करेंगे, बैक साइड में स्टार्च अप्लाई करना है। से सेप देंगे, पेट्स की हेल्प से प्रेस करेंगे। इस तरह से पेटल्स में हमें प्रेस करना है। नेक्स्ट मिडिल में इस तरह से प्रेस करेंगे, से सेप देंगे, से हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें भी बैक साइड में स्टार्च अप्लाई करेंगे, बीट्स की हेल्प से फ्रंट साइड से इस तरह से प्रेस करेंगे, सेप देंगे। हुक की हेल्प से मिडिल में इस तरह से प्रेस करेंगे, से ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। फिर बैक साइड में स्टार्च अप्लाई करेंगे, बीट्स की हेल्प से फ्रंट साइड से इस तरह प्रेस करेंगे, मिडिल में इस तरह से प्रेस करेंगे, से ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। नेक्स्ट हेक्सागन बनाएंगे, गोल्डन वायर लेंगे, से डबल करेंगे, इसको यहाँ से प्रेस करेंगे। नेक्स्ट इस तरह से इक्वल करेंगे, इसको यहाँ से मोड़ेंगे। फिर से हम इस तरह से इक्वल करेंगे, इसको यहाँ से मोड़ेंगे। इस तरह से 6 टाइम हमें मोड़ लेना है। इस तरह से 6 लाइन बना लिए। 1 लाइन अप्रोक्स 2 सेंटीमीटर है, टोटल 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 1 वायर यहाँ से कट करेंगे। नेक्स्ट इसे हम एक्स्ट्रा रखेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को इसके ऊपर चिपका देंगे, इसको यहाँ से इस तरह से रोल करेंगे। थ्रेड को बिल्कुल पास पास रोल करना है, इसे रोल करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। नेक्स्ट यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को चिपका देंगे। नेक्स्ट इसे हम इसके अंदर डालेंगे। नेक्स्ट इसको यहाँ से मोड़ेंगे, एक्स्ट्रा वायर है कट कर लेंगे, ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को यहाँ से कट कर लेंगे, से रोल करेंगे। हाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को चिपका देंगे।
एक्स्ट्रा थ्रेड है, कट कर लेंगे, थोड़ी सी ग्लू और लगाएंगे, इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे। इस तरह से इसे हमें बना लेना है। नेक्स्ट गोल्डन वायर लेंगे, स्मॉल साइज में इसे इस तरह से कट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ हमने 3 पीसेस लीफ और इस तरह के 3 पीसेस फ्लावर बना लिए हैं। नेक्स्ट वायर में थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रोल करेंगे। लीफ लेंगे, इसे हम इसके साथ बांधेंगे इस तरह से। रोल करना है। नेक्स्ट फ्लावर लेंगे, इसे हम इसके साथ इस तरह से बांधेंगे। और एक फ्लावर लेंगे, इसके साथ बांधेंगे। और एक फ्लावर लेंगे, इसके साथ हम इसे भी बांध लेंगे। इसे रोल करना है इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड है, कट करेंगे, थोड़ी सी ग्लू और लगाएंगे, इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे। नेक्स्ट यहाँ एक्स्ट्रा थ्रेड है, सारे थ्रेड को हम कट कर लेंगे। वायर को यहाँ से कट कर लेंगे, स्मॉल साइज के स्टिक बना लेना है। फ्रेंड्स ये राइट की इयररिंग्स है, लेफ्ट की इयररिंग्स बनाएंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में हम स्टिक को चिपका देंगे, इस तरह से ग्लू लगाएंगे, इसे हम इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। इसे हमें चिपका लेना है। नेक्स्ट इसमें बैक साइड में थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को इस तरह से चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड है, कट कर लेंगे, दोनों लेयर में से इसी तरह एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे। इसके ऊपर मिडिल में ग्लू लगाएंगे और एक लेयर लेंगे, इसके ऊपर इसे इस तरह से चिपका देंगे। नेक्स्ट इसमें बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, दोनों थ्रेड को इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे, इसमें ग्लू लगाएंगे, इसे हम मिडिल में चिपका देंगे। नेक्स्ट इसे लेंगे, इसमें हुक डालेंगे, फर्स्ट लेयर है ये, थ्रेड को इसके अंदर डालेंगे, नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट मिडिल में थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, इसे खींचेंगे इस तरह से, मिडिल में से चिपका देंगे। नेक्स्ट यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, लिप लेंगे इस तरह से, थ्रेड लेंगे से बांधेंगे इसके साथ,
रोल करना है। इस तरह थ्रेड को घुमाएंगे, टाइट करके इसे हम इसके साथ बांध लेंगे। नेक्स्ट यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। चिपका देंगे। नेक्स्ट थ्रेड को इस तरह से घुमाएंगे, इसके साथ हमें इसे रोल कर लेना है। इस तरह से रोल कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। यहाँ एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसे कट कर लेंगे। थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे। नेक्स्ट यहाँ ग्लू लगाएंगे, फ्लावर को मिडिल में इस तरह से चिपका देंगे। नेक्स्ट मिडिल में यहाँ ग्लू लगाएंगे, इसके ऊपर बीट्स डालेंगे, इसे मिडिल में इस तरह से चिपका देंगे। नेक्स्ट इयररिंग हुक लेंगे, इसे खोलेंगे, इस तरह से डालेंगे इसमें। इसको यहाँ से बंद करेंगे। फ्रेंड्स अब ये कंप्लीट है, हमारे दोनों इयररिंग्स रेडी है। आप भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स है ये।